भाई माशाल्लाह इस वक्त डिलीवरी पर ही आए हैं और अभी ये चाय शाय पिए हैं, तो हमने इनसे बातचीत की है इस हवाले से। आपको दिखा रहे हैं सारा इनकी गाड़ी, ये चेक करें। तो जो ये बाइक है, ये कंपनी बाइक कंपनी की, बाइक कंपनी की, इसका रेंट? कोई रेंट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आज हम आपको बताएंगे बाइक राइडर का काम इधर यूएई के अंदर कैसा है, कितनी बचत आप कर सकते हैं, कितना खर्चा आ जाएगा, क्या डिटेल है लाइसेंस के बारे में, क्या सूरत हाल है। तो हमारे साथ एक बाइक के जो है ना वो भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। जी वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप किधर से? मैं पाकिस्तान से। मुल्तान से? सही है। तो ये थोड़ा सा आप इस काम के बारे में बताएँगे, ये काम कैसा है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह काम सही है, मेहनत करनी पड़ती है इसमें, तो 13-14 घंटे ड्यूटी करते हैं, बच जाते हैं 1800-2000 पैन शैन ना आए तो 1800-2000 बच जाता है सारा खर्चा। अच्छा जी सही है। बाकी इसका लाइसेंस लेना पड़ता है, वीज़ा कंपनी का हो, बाकी खुद कंपनी भी दे रही है, नॉन फूड भी दे रही है, तो कैसे आप लाइसेंस के हवाले से थोड़ा बताएँ? लाइसेंस ये लेना पड़ता है, 4000-4500 खर्चा आता है, तो उसके बाद ये आपकी मर्ज़ी, तलबात में जाओ, डिलीवरों में जाओ, करीम में जाओ, नून में जाओ, बाकी नून में हैरिंग हो रही है लड़के अभी भी ज्वाइनिंग। ब्रदर आपको कितना अर्सा हो गया इस काम में? मुझे इसमें 3 साल हो गए। 3 साल हो गए? 3 साल से लगातार कर रहे हैं? लगातार कर रहा हूँ। पहले मैं तलबात में काम करता था, तलबात से छोड़ दिए, फिर इसमें नून में काम कर रहा हूँ, मुझे इसे 2 साल हो गए काम। तो अच्छी कंपनी है नून? जी अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी अच्छी है, टाइम पे सर्विस देता है, टाइम पे सर्विस आ जाती है, कोई कानून करते हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, इज्जत करती है। अच्छा तो ये बताओ थोड़ा सा कि ये मसलन आपका बस सैलरी पर है या टिप पर है? नहीं नहीं ये कमीशन बेस है। कमीशन बेस है? कमीशन बेस बस। क्या कमीशन? थोड़ा कमीशन ये डिस्टेंस के हिसाब से है, 7.5 से स्टार्ट होता है, 7.5 दरम से स्टार्ट होता है, फिर जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो पैसे बढ़ते जाएंगे, लास्ट 18 दरम। एक डिलीवरी का? एक डिलीवरी 18 किलोमीटर जाओगे तो 18 दरम। 18 दरम मिलेंगे? अगर 15 किलोमीटर? 15 किलोमीटर के 15 दरम। 15 दरम। अच्छा तो मतलब डेली की कितनी डिलीवरी कर लेते हैं आप? डेली हो जाती है 14-15 हो जाती है। 14-15 हो जाती है? तो कितनी बचत हो जाती है इसमें, कितने टोटल? ये खाना पीना रोटी वगैरह रूम में निकाल के ना जो है ना 1800-2000 बजट है। 1800-2000 बजट आराम से। सही है। तो इसमें जो फ्यूल है? फ्यूल हमारा अपना है। फ्यूल आपका अपना है? ये देखें जी भाई माशाल्लाह इस वक्त डिलीवरी पर ही आए हैं और अभी ये चाय शाय पिए हैं, तो हमने इनसे बस बातचीत की है इस हवाले से। आपको दिखा रहे हैं सारा इनकी गाड़ी, ये चेक करें। तो जो ये बाइक है, ये कंपनी बाइक कंपनी की, बाइक कंपनी की, इसका रेंट? कोई रेंट नहीं है। ये फ्यूल हमारा अपना है, बाकी मेंटेनेंस जो काम होता है, जो सर्विस वगैरह वो कंपनी पे करती है। कंपनी पे करती? कंपनी पे। अच्छा तो मोबाइल में जो आप पैकेजेस यूज़ करते हैं वो भी कंपनी देती है? कंपनी देती है। नून देती है? नहीं, जिसके थ्रू मैं काम कर रहा हूँ, मैं हमारा जो वेंडर है वो देता है। वो देता है सारा टोटल? पेट्रोल उसका? नहीं पेट्रोल हमारा अपना। पेट्रोल का कितना खर्चा आ जाता है? पेट्रोल का लग जाता है 500-600 महीने का? महीने का लग जाता है, अभी कम लगता है, अभी जो है ना फ्यूल का रेट बहुत कम हुआ है। अच्छा सही हो गया। तो मसलन आप इस काम से सेटिस्फाई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, थोड़ा मुतमिन है? मुतमिन अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे बंदे कहते हैं जी इधर जो मसलन है ड्राइविंग बहुत डेंजरस है। ड्राइविंग डेंजरस तो है, ये काम बहुत डेंजरस है ना। देखो दो व्हील सवारी है तो डेंजरस तो है। अच्छा दो व्हील सवारी है डेंजरस तो है ना, इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है, बाकी मुश्किल है नेक्स्ट पता नहीं। अच्छा सिस्टम? हाँ ठीक है ठीक है, यानी बंदा ध्यान से चलाए, दुआ शुआ पढ़ ले। हाँ, तो अच्छा सफर की दुआ पढ़ ले। अच्छा सबसे पहले हमें बताएं कि विजिट पर आकर क्या आप ये काम कर सकते हैं? नहीं विजिट पे विजिट पे काम नहीं है, विजिट पे आपको लाइसेंस भी नहीं मिलेगा, आपका वीज़ा लगेगा, फिर आपका लाइसेंस आपकी क्लास में मिलेगी, फिर लाइसेंस आएगा, फिर आप जाके ज्वाइन करोगे। अच्छा मसलन विजिट पर आकर इस किसी भी कंपनी को ज्वाइन करना पड़ेगा, तलबात को कर लें, नून को कर लें, डिलीवरी को कर लें, क्रीम को कर लें, विजिट पे आके आपको वीज़ा लगवाना पड़ेगा, तो फिर आपको लाइसेंस। वीज़ा फ्री होता है इसका? नहीं वीज़ा लेते हैं कोई 5,000 लेता है, कोई 6,000 लेता है। 5-6,000 दिरहम ले लेते हैं ठीक है, लाइसेंस के वो एक्स्ट्रा, लाइसेंस के वो एक्स्ट्रा काटेंगे बाद में काटेंगे या वो भी आपने पे करने? कंपनी कंपनी का असूल है, कोई पहले काटते हैं, कोई सैलरी में से काटते हैं। अच्छा अच्छा सही हो गया, यानी कि ये टोटल आपने इसकी डिटेल बता दी। अभी इसमें क्या सूरत हाल, हायरिंग चल रही है? हायरिंग चल रही है, हायरिंग हर कंपनी में जाती है, हर कंपनी में हायरिंग, कंपनी में डिलीवर हो, नून है, तलबात है, क्रीम है, सर में हायरिंग चल रही है। तो आउटसाइड से भी बंदे आ रहे हैं?
ये पाकिस्तानी के वीज़े के बंद हैं। पाकिस्तानी के वीज़े बंद। तो कोई आइडिया है कब तक ओपन होंगे? ये मुश्किल पता नहीं। न्यू नहीं आ रहे? न्यू नहीं आ रहे। जो ऑलरेडी इधर मौजूद हैं वो कर रहे हैं? वो कर रहे हैं। बाकी देखकर कंट्रियों के लोग आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं? हाँ, इंडिया से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं। पाकिस्तान से न्यू नहीं आ रहे? न्यू कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं। अच्छा अच्छा, सही हो गया। तो लाइसेंस के हवाले से भी आपने बता दिया, तो आप इस काम से सेटिस्फाई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाई। चलें जी, अल्लाह आपको हिफाजत में रखे, क्योंकि आप मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की दे, आपके घर वालों को भी मज़ीद जो है ना रिस्क हलाल कमाने की तौफीक दे। तो यकीनन ये ड्राइविंग ज़ाहिर है, फिर जिसने लाइसेंस बनवा लिया वो तो बाजार करता है। जी जी। तो बाकी आप अभी क्या पैगाम देना चाहेंगे जो इधर इसके न्यू आना चाहते हैं? इसमें न्यू आना चाहते हैं, देखो और इधर लाइसेंस लो, अगर वीज़ा है तो लाइसेंस लो, बाकी कंपनी में हायरिंग चल रही है, तो अगर वीज़ा पे हो तो वीज़ा प्लस लाइसेंस ले, कंपनी दे रही है अच्छी सी कंपनी ढूंढ के आप एडजस्ट। तलबात में भी सेम यही सिचुएशन है? तलबात में भी सारे में सेम ही है। डिलीवरों में भी? हाँ, डिलीवरों में। नून में भी? नून में तो आप कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक हो गया ब्रदर, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। नाम आपका क्या है? मोहम्मद आफिक। आप पाकिस्तान में किस जगह से? पाकिस्तान मुल्तान से। पाकिस्तान मुल्तान से हैं, तो कितना अर्सा हो गया इधर? मुझे दुबई में 4 साल हो गए। 4 साल से यही कर रहे हैं? नहीं, पहले मैं कंस्ट्रक्शन साइट का काम करता था, अभी उसके बाद मैंने लाइसेंस लिया, फिर बाद में। अच्छा अच्छा, सही हो गया, बेहतर हो गया। बहुत शुक्रिया ब्रदर, आपने इतना जो है ना कीमती टाइम दिया। तो जी, ये देख सकते हैं भाई जो है ना मेहनत कर रहे हैं। आप में भी इससे अगर कोई आना चाहता है तो आपको मैंने मुकम्मल बता दिया इसका।